नवरात्र की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा की नौ शक्तियों का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म, तपस्या, और चारिणी का अर्थ होता है आचरण, यानी ये देवी तप का आचरण करने वाली हैं। अगर हम पौराणिक ग्रंथों की माने तो हिमालय की पुत्री थी और नारद के उपदेश के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या किया था, जिस कारण इनका नाम तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ का यह रूप बहुत ही शांत और मोहक है। माना जाता है जो भक्त माँ के इस रूप की पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, और माँ का यह स्वरूप आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र पहनी हुई हैं और इनके दाहिने हाथ में अष्टदल कमल की माला, बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए सुशोभित हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर या शक्कर से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी, चूँकि नवरात्र के दूसरे दिन इनकी पूजा होती है, शक्कर के कई तरह के आप व्यंजन बना सकते हैं, जैसे आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं, आप पंचामृत बना सकते हैं दूध दही शहद घी और शक्कर मिलाकर। अगर आप 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो आप खीर बनाकर माँ को भोग लगाइए और आप इसे खा भी सकते हैं। वैसे साबूदाना की खीर बनाना भी इस दिन आप बना सकते हैं। अब दूसरी तरफ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करेंगे? देखिए, सुबह जल्दी उठिए, स्नान वगैरह कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपने घर के ही मंदिर में साफ सफाई करने के बाद देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक सफ़ेद पुष्प लें। माँ को सफ़ेद पुष्प ज़्यादा पसंद है। फिर माँ का ध्यान करें, प्रार्थना करें, और इसके बाद माँ को पंचामृत या सफ़ेद जो आपने मिश्री चीनी या फिर आपने जो भी रखा है वस्तु उसको आप अर्पित करें। फिर माँ को कुमकुम सिंदूर अर्पित करें, और इसके अलावे कमल का पुष्प अगर आपके पास है तो आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो ये तो थी सिंपल तरीके से माँ को आप कैसे मनाएं, लेकिन माँ को विशेष तरीके से आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या अर्पित करें। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी इनकी पूजा करते समय आप पीला या सफ़ेद वस्त्र पहनिए और माँ को मिश्री शक्कर या पंचामृत का भोग लगाइए और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। अब चांदी का अर्धचंद्र भी आप इस दिन माँ को अर्पित कर सकते हैं चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। उसके बाद अर्पित करने के बाद एक मंत्र जपे, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, कम से कम 108 बार मंत्र जपिए। अब ये जो चांदी का चंद्रमा है लाल धागे में गले में पहन सकते हैं आप, अपने घर में बच्चों को भी पहना सकते हैं, मानसिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर पहले से बच्चों को आपने पहना के रखा है तो इस दिन उनके गले से खोल लें, शुद्ध कर लें गंगा जल से, और फिर माँ को अर्पित कर फिर से आप फ्रेश धागे में बच्चों को पहना दें तो अच्छा रहेगा, रिचार्ज हो जाएगा। सर्दी जुकाम की समस्या, मानसिक तनाव की समस्या, भावुकता की समस्या, नींद ना आने की समस्या, ये सभी चीज़ों का संबंध, चूँकि स्वास्थ्य का ही संबंध माँ से है, तो इन सभी चीज़ों का जो परेशानी है उनसे मुक्ति पाने के लिए माँ की पूजा जरूर करें और प्रार्थना करें। चूँकि इस दिन चंद्रमा को बेहतर करने के लिए विशेष पूजा की जाती है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप चंद्रमा का मंत्र जप कर सकते हैं माँ की पूजा करने के बाद। चंद्रमा का मंत्र है ओम स्रांग स्रींग स्रोंग सह चंद्रमसे नमः, ओम स्रांग स्रींग स्रोंग सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें तो बढ़िया है। जो आपने प्रसाद के रूप में माँ को शक्कर का भोग लगाया है या पंचामृत का भोग लगाया है उसको पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आयु की वृद्धि होगी। इस दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है, अगर धन
बहुत ही ज़्यादा कष्ट से आ रहा हो या पैसे बच नहीं पा रहे हो, कमाते हैं तो बीमारियों पर पैसा खर्च हो जाता हो, तो ऐसी मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए आप इस दिन एक छोटा सा काम करें, एक पानी वाला नारियल ले लें और इसको अपने गोद में रखकर ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, गोद में रखकर जप करें। अब इस नारियल को अपने ऊपर से 3 बार आप उल्टा वार लें और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर बहता हुआ जल ना मिले, कोशिश करें बहता हुआ जल में प्रवाहित करने का। आप अगर आज नहीं कर सकते हैं, नवरात्र के दूसरे दिन नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी दिन कर लीजिएगा, और बहता हुआ जल ना मिले तो पास के किसी भी मंदिर में जाकर रख दें। अब कई बार क्या होता है, बहुत लंबे समय से आपका मनोकामना है पूरा ही नहीं होता है, बच्चे हैं, जॉब नहीं लग रही, अपना मकान नहीं है, किसी भी तरह का आपका समस्या है, तो एक छोटा सा काम करें। आपको चाहिए होगा एक सफ़ेद कागज, सिंदूर और लौंग। अब आपकी जो मनोकामना है वो सफ़ेद कागज पर लौंग की सहायता से सिंदूर को पानी में घोल लें और उसमें डुबो डुबो कर अपनी मनोकामना लिखें और नीचे में अपना नाम लिखें। अब एक जो दीपक जलाइए माँ के सामने, कागज को जिस पर आपने मनोकामना लिखा है इसको मोड़ कर दीपक के नीचे रख दें। ये प्रयोग आप द्वितीय नवरात्रा यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जिस दिन करेंगे उस दिन रात में 11 से 12 बजे के बीच कीजिएगा, और दीपक के नीचे कागज को मोड़ कर रख दें। बाद में जब विजयादशमी हो जाए तब इस कागज को आप कहीं मिट्टी में दबा दें या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन आप इसको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जब करेंगे उस दिन कीजिए। अगर आप इस दिन नहीं कर पाते किसी कारणवश तो नवरात्र में किसी भी दिन ये प्रयोग आप कर सकते हैं। कई बार होता है कि भाग्य साथ नहीं देता या आप चाहते हैं कि आपका भाग्य और मजबूत हो, तब एक लाल धागा ले लें, कलावा जिसको हम मौली धागा कहते हैं, कलावा ले लें, थोड़ा सा बड़ा तोड़ लें और लेकर अपने हाथ में, दाहिने हाथ में रखें और 11 बार बोलिए ओम क्लिंग ह्रिंग, ओम क्लिंग रिंग ये मंत्र बोलें। अब इस धागा को आप अपने गले में पहन लें। अगले दिन सुबह आप तुलसी के पास इस धागा को रख दें, आपका भाग्य मजबूत होगा। आप ये प्रयोग भी अगर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के दिन नहीं कर सकते हैं तो नवरात्र में किसी भी दिन कर लीजिएगा, आपको उसके फल अवश्य मिलेंगे, आपके जीवन की परेशानियाँ समाप्त हो जाएगी। तो माँ ब्रह्मचारिणी इनकी पूजा करने से चंद्रमा संबंधी दोष दूर होता है और आपका मन भी मजबूत होता है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर